morning kids welcome back to the social science classes today we will study the next chapter of political science that is political parties in this chapter we will understand about the what is the function of political party what political party does and uh, how it works how many parties are there how many uh, parties are divided in our country how they work

रन करने के लिए गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करने के लिए दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड और वो सब एक ही पॉइंट पे पॉलिसीज पे प्रोग्राम्स पे अग्री करते हैं प्रोग्राम्स बनाते हैं लोगों के भलाई के लिए ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है बच्चों हम लोगों ने मैनिफेस्टोज देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट अनाउंसमेंट्स करते हैं कि हम अगर पावर में आ जाएंगे तो ऐसा कर देंगे हम अगर पावर में आ जाएंगे तो हम ये चेंजेस कर देंगे हम ऐसा डेवलपमेंट कर देंगे तो ये सारे पॉलिसीज़ बनाना प्रोग्राम्स बनाना दिस इज़ द वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड द पॉलिटिकल पार्टी इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल वो लोग जो साथ में आए हैं एक साथ आए हैं डिफरेंट काम करने के लिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सो दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टी ना पॉलिटिकल पार्टी हैज़ थ्री कंपोनेंट्स तीन कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज़ लीडर द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स अगर मैं बहुत एग्जाम्पल uh, दे के बताऊँ या बहुत रिलेवेंट मैं बताऊँ तो लीडर्स मेन जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं जैसे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टी है तो उसके जो मेन लीडर्स हैं टॉप मोस्ट लीडर्स तो वो एक लीडर्स में आएगा देन एक्टिव मेबर्स उसके बाद उनके कुछ मैंम्बर्स होते हैं वो एक्टिव मेम्बर्स होते हैं ठीक है और फॉलोवर्स जो जो हर एक पार्टी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं जो किसी भी रैली में उनका साथ देते हैं जय हो जय हो हमारा नेता जिंदाबाद ये जो है ये फॉलोवर्स हैं ठीक है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक्टिव मेंबर्स की भी ज़रूरत होती है फॉलोवर्स की भी ज़रूरत होती है और लीडर जो कि रन कर रहा है जिसके सपोर्ट में ये एक्टिव मेंबर और फॉलोवर्स हैं ठीक है देन इट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स ओके अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया लीडर मेन है जो जिसके लिए हम लोग वोटिंग करते हैं देन एक्टिव मेंबर्स जो उसको प्रमोट करता है और फॉलोवर्स जो उस एक्टिव ग्राउंड लेवल पे जो हम तक आके उनकी बातों को रखते हैं द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है इफ़ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टी देन ईच एंड एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी बच्चों तो हर एक कैंडिडेट इंडिविजअली अपने अपने एरिया में इलेक्शंस लड़ेगा और सोचो कि वी आर हैविंग फोर सॉरी फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री लोकसभा सीट सो इफ फ्राम द इच एंड एवरी सीट द इंडिविजुअल पर्सन विल कम हाउ द गवर्नमेंट विल फॉर्म कैसी गवर्नमेंट फॉर्म होगी सो इन दिस मैनर लाइक फॉर दिस फॉर जस्ट अवॉइडिंग द कंडीशन ऑफ क्योर्स हमको ज़रूरत है पोलिटिकल पार्टी की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की ज़रूरत है ताकि यूनिट एक बड़ी यूनिट फॉर्म हो सके एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल सके कॉमन पीपल को सो दिस फॉर दिस द पोलिटिकल पार्टी इज़ रिक्वायर्ड ना वॉट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन सिलेक्ट कैंडिडेट एंड पुट फॉरवर्ड द पॉलिसीज इलेक्शंस लड़ते हैं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड पॉलिसीज को फॉरवर्ड करते हैं दे मेक अल इन द मेकिंग लॉज लॉ बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका दैन पोलिटिकल पार्टी फॉर्म्स एंड रन गोमेंट अपोजिशन चेक द गमेंट एंड द अपोजिशन का काम क्या होता है गवर्नमेंट को चेक करना उसको कंट्रोल करना देन पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन पार्टीज़ की देखो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के साथ चल रही हैं तो उससे पब्लिक का ओपिनियन भी बनता है कि अच्छा हमें इस बार विकास के मुद्दे पे काम करना है अच्छा इस बार जो मुद्दा होने वाला है वो डेवलपमेंट होने वाला है या ये डिफरेंट तो ये जो पब्लिक का ओपिनियन क्रिएट करती हैं पोलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड द एक्सेस टू द गवर्मेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम मशीनरी आपने देखा होगा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं इनके डिफरेंट मैनिफेस्टोज होते हैं तो वो स्कीम्स को लॉन्च करते हैं पब्लिक के वेलफेयर की बात करते हैं सो इन दिस मैनर पोलिटिकल पार्टी हेल्प सो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों जल्दी से एक क्विक रिवेशन लगा लो कंटेस्टिंग इलेक्शन दैन पॉलिसीज मेकिंग पॉलिसीज एंड पुटिंग दैम फॉरवर्ड दैन मेकिंग लॉज लॉ बनाना ये भी क्या है पॉलिटिकल पार्टी का काम है देन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाना ये भी पॉलिटिकल पार्टी का काम है प्लेइंग अपोजिशन अपोजिशन का काम करना जो गवर्नमेंट में आ गए हैं वो तो गवर्नमेंट को रन करेंगे दे विल एग्जीक्यूट द वर्क व्हाट्स एवर दे है इज द वर्क ऑफ अपोजिशन दे विल चेक एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट के काम को चेक करेंगे और कंट्रोल करेंगे देन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन पब्लिक के ओपिनियन को शेप करेंगे इट मीन्स उनके सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रखेंगे देन एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम अभी मैंने आपको पढ़ाया वही सारे पॉइंट्स क्विक रिविजन आपने लगा लिया ना देर आर डिफरेंट पार्टी सिस्टम बच्चों अब डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम होता है वन पार्टी सिस्टम बाई पार्टी सिस्टम एंड एंड मल्टी पार्टी सिस्टम ओके सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द वन पार्टी सिस्टम वन पोलिटिकल पार्टी इज़ द मोस्ट पावरफुल इफ देर आर अदर पार्टीज दे आर सबऑर्डिनेट वन पार्टिकुलर पार्टी कैन मेक एंड कंट्रोल एंटायर गवर्नमेंट सिस्टम सचेस्ट चाइना देखो चाइना में क्या होता है बच्चों की एक ही पार्टी है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और उसी के अंडर में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स अपने अपने इलेक्शन को लड़ते हैं यहाँ पे कोई डिफरेंट या बहुत सारी पार्टीज नहीं होती हैं सब पार्टीज होती हैं मीन्स छोटी छोटी उसी की ब्रांचेज हैं तो एडवांटेजेस क्या है इसका चीपेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टी सिस्टम एज मनी इज स्पेंड ऑन द इलेक्शन एक्सपेंसेस तो ना तो यहाँ पे ज्यादा पार्टीज हैं तो मनी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होता है जैसे कि इंडिया में होता है दैन डिसीजन आर टेकन फास्ट बहुत जल्दी से डिसीजन ले लिए जाएंगे दैन नो डिविजन इन दोसाइटी सोसाइटी में डिविजन भी नहीं होगा Then advantages disadvantages it allows one party dictatorship bachcho बच्चों अब एक ही hai है तो to तो रहा नहीं ना ho हो गया ये तो फिर Then, no choices to choices to voter हमारे यहाँ पे कितनी सारी पार्टीज है वी आर हैविंग सो many choices बट देर विल be नो चॉइस देन माइनॉरिटी इज सप्रेस जो माइनॉरिटी है वो तो सप्रेस हो जाएगी उनका तो exploitation होगा सो so,

देन मल्टी पार्टी सिस्टम इट इज़ रन इन द इंडिया ये इंडिया में है जैसे कि बहुत सारी पार्टी जिसको मन किया इलेक्शंस लड़ने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है और उसके बाद में दे कैन फाइल देयर नेम फॉर द इलेक्शन सो वैन देर आर मोर देन टू पार्टीज आर प्रेजेंट एंड फाइट फॉर द इलेक्शन पावर दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम सो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मल्टी पार्टी सिस्टम जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं मोस्टली दे हैव मल्टी पार्टी सिस्टम ओके वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट दू वोटर हैज मोर चॉइसिसंग ऑल सोशल डिविजन हर एक कैटेगरी के हर एक कैटेगरी के पीपल मीन मतलब जितनी डाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग उतनी सारी पार्टीज हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो कितनी सारी पार्टीज हैं हमारी कंट्री में तो सोशल डिविजन जो है हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है जो हमारी कंट्री में उसके बिहाफ पे बहुत सारी पार्टीज बन सकती हैं तो इसके डिस एडवांटेजेस भी हैं लाइक इट इज़ मोर एक्सपेंसिव बहुत पैसा खर्च होता है फिर एज मैनी पार्टीज आर प्रेजेंट मोर कन्फ्यूजन इज जनरेटेड हमको कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि किसको वोट दें बहुत सारे चॉइस हैं हमारे सामने एंड लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एज मैनी डिवीजन इन द सोसाइटी बेस्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी Pol, जैसे अभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिफरेंट पार्टीज हैं हमारे पास में तो उससे कॉन्फ्लिक्स ज़्यादा क्रिएट होता है बच्चों कि हम तो अपनी जात के जो वोटर है उसको देंगे जो हमारी कास्ट का है हम उसको देंगे या फिर जो हमारे रिलीजन का है हम उसको वोट देंगे सो इन दिस मैनर दो सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट आर अराइज ओके नाउ देर आर टू कैटेगरीज ऑफ पार्टीज नेशनल पार्टीज होती हैं और स्टेट पार्टीज होती हैं सो वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर द नेशनल पार्टी अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ टोटल वोट इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन एंड विन एट लीस्ट फोर सीट इन द लोकसभा इज रिकोगनाइज एज नैशनल पार्टी देखो बच्चों जो भी पार्टी एट लीस्ट सिक्स परसेंट वोट को सिक्योर कर लेती है so लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में और एटलीस्ट फोर सीट लोकसभा इलेक्शन में जीत जाती है तो वो एक नेशनल पार्टी बन जाती है यहाँ पे सिक्स रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं हमारी कंट्री में ठीक है नाउ व्हाट इज स्टेट पार्टी जितनी भी ये छह पार्टियों को छोड़ के अभी नेक्स्ट uh, मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज विच आर द सिक्स नेशनल पार्टीज इन छह पार्टियों को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टी है जो पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के थ्रू क्लासिफाइड है तो उन सारी जो पार्टीज़ हैं उन सबको हम ना स्टेट पार्टीज़ में रिकोगनाइज करते बट दे शुड ऑल्सो फुलफिल दैट क्राइटेरिया ऑफ विनिंग द पर्टिकुलर वोट सीट वोट परसेंटेज देन ओनली दैट विल बी रिकोगनाइज एज अ स्टेट पार्टी ओके नाउ What are the national parties of our country? Which are the six national parties of our country? Now we will talk about them. Name of the parties and party flag and their year of foundation. Here are the six parties, six national parties which are given in your book. up NCERT book see book according to parties are national parties. Hai. Now, Indian National Congress, which was formed in 1885, Communist Party of India. That was formed in 1925. Communist Party of India, that was formed in 1964. Bhartiya Janta Party, that was formed in 1980. Now, Bahujan Samajwadi Party, that was formed in 1984. Nationalist Congress Party, that is NCP, that was formed in 1999. So, all these six parties and their symbols are given over there and their foundation here. नाउ आइडियोलॉजी ऑफ दीज डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज इन छओ पार्टी की जो डिफरेंट आइडियोलॉजी है दैट इज प्रेजेंट ईयर तो सबसे पुरानी जो हमारी पार्टी है दैट इज कांग्रेस पार्टी विच वॉज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उससे पहले ही वो बन चुकी थी दैट द फाउंडर ऑफ दिस पार्टी इज एम एंड दादा भाई नेहरू जी एंड दिस ऑफ आइडियोलिजी वाचा सो दी इज ऑल ओवर द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी नाउ वॉट वॉज द आफ्टर दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सो वॉट वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ इट कम्युनिज्म मार्किज्मिज्म मीन्स कम्युनिज्म को लेके चली थी ये पार्टी तब जाके ये स्टार्ट हुई थी अभी इसके जो प्रेजेंट में सीताराम येचुरी वो इज द प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस पार्टी नाउ भारतीय जनता पार्टी Be right now Amit Shah is the president of this party and uh, ideology of it is integral, integral humanism and social conservatism, Hindu nationalism, Gandhian socialism and Hindutva. Basically their ideology is of Hinduism and Gandhism, Gandhian socialism. बहुजन समाजवादी पार्टी इट्स आइडियोलॉजी इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सोशल इक्वालिटी है सोशल जस्टिस है बेसिकली इट इज़ फॉर्म फॉर द एस सी एस टी पीपल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी देयर आइडियोलॉजी इज कंजर्वेटिज्म सिविक नैशनलिज्म प्रोग्रेसिज प्रोग्रेसिज्म एंड इंडियन नेशनलिज्म तो इनकी प्रोग्रेसिव नेचर का इनका आइडियोलॉजी है कंजरवेटिज़म है सो इन दिस मैनर ऑन दिस आइडियोलॉजी दिस पार्टीज वर फॉर्म्ड नाउ दिस पॉलिटिकल पार्टीज हैव सम चैलेंजेस इनके सामने भी कुछ समस्याएं खड़ी हैं अगर ये इससे बाहर निकल जाए तब जाके ये अपनी ग्रोथ कर सकते हैं जैसे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती जिनके इंटरनल में बहुत बड़ा देखो बहुत बड़े धीरे 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 ये ऑर्गनाइजेशन बन जाते हैं लेकिन इनके अंदर जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन और फ्यू लीडर्स कुछ ही लोगों के हाथ में पावर्स हैं नो मेंबरशिप नो मेंबरशिप रजिस्टर्ड नो मीटिंग्स नो इंटरनल इलेक्शंस कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं कोई लीडर नहीं है कुछ ही लोगों के पास में पावर है डिसीजन लेने का सो so इस तरीके से डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ पाती है देन डायनेस्टी सक्सेशन अब बच्चों जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है इंदिरा गांधी के बाद में कांग्रेस पार्टी को संभाला था राजीव गांधी ने राजीव गांधी के बाद में उनका सक्सेसर मान लिया गया राहुल गांधी को देन सोनिया गांधी को इट मीन्स वन फैमिली के हाथ में ही पूरी पूरी पावर है कभी भी इनके सिवा कोई दूसरा इनका प्रेसिडेंट नहीं बना है सो so, पार्टी का लीडर कोई दूसरा नहीं बन पा रहा है लीडर हैव अनफेयर एडवांटेज टू फेवर द पीपल क्लोज टू देम और जो उनके आपसी लोग हैं जो उनके पास के लोग हैं फैमिली मेम्बर्स हैं वही उनके प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो इस तरीके के पार्टी में भी जो डायनेस्टी सक्सेशन की प्रॉब्लम होती है देन मनी एंड मसल पावर अब जो लोग ज़्यादा पावरफुल हैं दे फोकस ऑन द इलेक्शन यू शॉर्टकट मैथड टू विन कैंडिडेट्स कम टू पावर रीच टेंट टू इन्फ्लुएंस क्रिमिनल्स एंड आर सपोर्टेड इन ऑर्डर टू विन इलेक्शन जितने क्रिमिनल्स हैं वो पोलिटिकल पार्टीज में आ रहे हैं दे आर ज्वाइनिंग द पोलिटिकल पार्टीज एंड इवन विनिंग द पोलिटिकल पार्टीज बाय द हेल्प ऑफ देर मनी एंड मसल पावर पैसे और दबंगई के बल पर वो लोग पार्टीज में इलेक्शन जीत जाते हैं द नाफरिंग ऑफ मीनिंगफुल चॉइस डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अग्रीमेंट ऑन द फंडल फंडामेंटल एसपेक्ट्स नैरोइंग डाउन ऑफ डिफ्रेंसिस ऑन द इकनॉमिक पॉलिसीज एंड नो चॉइस ऑफ लीडरशिप ना तो कोई लीडरशिप है ना ही कोई इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ना ही कोई एग्रीमेंट है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे जिन आइडियोलॉजी को लेकर इन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाई थी वो पार्टी वो आइडियोलॉजी से भटक गए हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं पोलिटिकल पार्टीज के सामने की हाउ दे विल मेंटेन देअर डिग्निटी कैसे वो डिग्निटी को मेनटेन करेंगे कैसे वो इलेक्शन रन करेंगे कैसे पावर्स को फिर से सिक्योर करेंगे तो ये सारे चैलेंजेस हैं इन चैलेंजेस से उनको उभर के आना है दीज आर द प्रॉब्लम्स देखो बच्चों अगर आपके सामने आता है क्वेश्चन की वॉट आर द प्रॉब्लम्स है ना तब भी आपको यही पॉइंट्स लिख रहे हैं ठीक है सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा अगर आपको कहीं भी डाउट है यू कैन आस मी इन द कमेंट सेक्शन ओके किड्स थैंक यू सो मच